अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवन स्टूडेंट्स, फर्स्ट असेसमेंट होने के बाद अब हम आगे पढ़ाई को जारी करेंगे। असेसमेंट से पहले हमारे पांच असबाक हो चुके थे, आज हम छठा सबक स्टार्ट करेंगे जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 30 पर है। सबक का नाम है वडन जो चयो मंजे, यानी बड़ों का कहना मानना चाहिए। इस सबक में छोटी सी कहानी बयान की गई है जिसका निचोड़ यही है कि छोटों को हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए क्योंकि इसी में उनकी भलाई होती है। तो आइए बच्चों, पहले सबक को पढ़ लेते हैं और उसका तर्जमा जान लेते हैं। वडन जो चयो मंजे, बड़ों का कहना मानना चाहिए। ठीक, कबूतरन जो एक वडो वलर उडामंदो थी वयो। कबूतरों का एक बड़ा गौल, गौल मतलब जब बहुत सारे कबूतर एक साथ होते हैं, जो झुंड होता है उनको, उसको गौल कहते हैं। तो कबूतरों का एक बहुत बड़ा गौल उड़ता हुआ जा रहा था। ओचितो संदन नज़र एक मैदान ते पई। अचानक, ओचितो मतलब अचानक, अचानक उनकी नज़र एक मैदान पे पड़ी जिते अन्न जा दाणा घने अंदाज में छिटल थी डिठा। जहाँ, जिते मतलब जहाँ, अन्न मतलब अनाज, अनाज के दाने बहुत अंदाज में मतलब बड़े अंदाज में बिखरे हुए देखे, छिटरियल देखा बिखरे हुए देखे। हु हिक को थी हेठ लहन लगा, वो एक एक, हिक को मतलब एक एक करके नीचे उतरने लगे। उन्हन में हिक सियाणो कबूतर भी हो, उनमें एक सियाना कबूतर भी था, मतलब अकलमंद, सियाना मतलब अकलमंद, एक अकलमंद कबूतर भी था। मतलब अकलमंद से मुराद उनसे बड़ा, उम्र में बड़ा बुजुर्ग, उनके जिसके पास ज़्यादा तजर्बा, ज़्यादा अकल, ज़्यादा दानिश थी। सही है, जह खेन हेठ लहण खां रोकियो, जिसने उनको नीचे उतरने से रोका। आई चयो त और कहा कि मुखे एतरो अन ॾिसी हिन में फरेब थो नज़र अचे, मुझे इतना अनाज देखकर इसमें फरेब नज़र आता है। अग त हिन मैदान में एक दाणो भी न थी डिठो, पहले तो, अग त मतलब पहले तो इस मैदान में एक दाना भी नहीं देखा था। तह करे अचो त, इसलिए आओ तो, कहें भी जाए ते हली पंहिंजो चोगो ॻोल्हियूं, के किसी दूसरी जगह पे चढ़ कर अपना दाना दुन का तलाश करें। पंहिंजो मतलब अपना, चोगो मतलब दाना दुन का, ॻोल्हियूं मतलब तलाश करें। पर संदस साथियुनि हिन जी आवाज़ ते कन न ॾिनो, लेकिन उसके साथियों ने उसकी आवाज़ पर कान नहीं दिया। कान नहीं दिया मतलब उसकी बात नहीं सुनी, तवज्जो नहीं दी उसकी बात पर, बात नहीं मानी मतलब। आई हेठ लही पया और नीचे उतर गए। उत्ते कहे मारिए यार विछाए छड़ियो हो, वहाँ किसी शिकारी ने, मारी मतलब शिकारी, किसी शिकारी ने जाल बिछा दिया था। जियाँ हेठ लथा, जैसे ही नीचे उतरे तब फांसी पया तो फंस गए। मारी जो परे लिकल हो, शिकारी जो दूर छुपा हुआ था, परे का मतलब दूर, लिकल हो मतलब छुपा हुआ था, जो दूर छुपा हुआ था, सो कबूतरन के यार में फांसंदो ॾिसी दौड़ंदो आयो। वो कबूतरों को जाल में फंसता हुआ देखकर, इसी मतलब देखकर दौड़ता हुआ आया। दौड़ंदो आयो मतलब दौड़ता हुआ आया। अब इसमें क्या बताया जा रहा है बेटा, कि कबूतरों का एक गौल यानी कि झुंड, वो दाने दुनके की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। अचानक उनकी नज़र एक मैदान पर पड़ी जहाँ उन्होंने कई अनाज के दाने देखे, तो वो सब बहुत खुश हो गए कि उनको उनका रिस्क मिल गया, इसलिए वो बगैर सोचे समझे नीचे उतरने लगे। इस कबूतर के गौल में एक ऐसा कबूतर भी था जो उन सबसे बड़ा था और ज़्यादा अकलमंद भी था। उस अकलमंद कबूतर ने बाकी सब कबूतरों को नीचे उतरने से मना किया। उसको इसमें कोई धोखा नज़र आ रहा था क्योंकि एक साथ अनाज के इतने दानों का एक जगह पर होना, उसको ये बात सही नहीं लग रही थी। उसको इसमें कोई चाल नज़र आ रही थी क्योंकि इसमें, इससे पहले तो उसने इस मैदान में इतने दाने कभी देखे ही नहीं थे, लेकिन उसके साथियों ने उसकी बात नहीं सुनी और वो सब नीचे उतर गए। जैसे ही वो नीचे उतरे तो वहाँ पर बिछाए गए एक जाल में फंस गए। वो जाल एक शिकारी ने कबूतरों को पकड़ने के लिए बिछाया था और दाना भी डाल दिया था ताकि कबूतर उस दाने को खाने के लिए नीचे आए और इस जाल में फंस जाएं। और ऐसा ही हुआ, जब कबूतर जाल में फंस गए तो शिकारी जो कि दूर छुपा हुआ था वो फौरन दौड़ता हुआ आया। ठीक, अब आगे पढ़ने। ये हालत इसी सियाने कबूतर खींच चयो, ये हालत देखकर अकलमंद कबूतर ने उनसे कहा, खेन मतलब उनको या उनसे, उनसे कहा अवां लालच में फांसी मुंझो चवण न वरतो,
आपने लालच में आकर मेरा कहना नहीं माना, चवण न वर्तो मतलब कहा नहीं माना। मारी इच्छो आयो, शिकारी अभी आता होगा। मारी मतलब शिकारी, शिकारी अभी आता होगा। हाँ अच्छो तो हिम्मत करे उड़ामू, अब आओ तो हिम्मत करके उड़ते हैं। इत्तफाक में बड़ी ताकत आहे, इत्तफाक में बड़ी ताकत है। असांजा पैर फाताल आहिन, हमारे पाँव फंसे हुए हैं, पर खम्भ आज़ाद आहिन, लेकिन पर आज़ाद हैं। खम्भ मतलब पर, फैदस जिसे वो उड़ते हैं, सही है, लेकिन हमारे पर आज़ाद हैं। इहो बुद्धि ये सुनकर, बुद्धि मतलब सुनकर, कबूतरन गज्जी उड़ामण ला जोर लातो, कबूतरों ने मिलकर उड़ने के लिए जोर लगाया। गड्जी मतलब मिलकर उड़ने के लिए जोर लगाया। जारी जो कलियों निकली पईं, जाली की जो वो कलियां होती है जिसे वो जिन किलों से जाल लगाया जाता है, वो कीलें जो हैं वो निकल पड़ी। वो यार समेत मथे उड़ामण लगा, और वो जाल के साथ ही मतलब जाल समेत ही उसके साथ ही उड़ने लगे, ऊपर उड़ने लगे, मथे मतलब ऊपर ऊपर उड़ने लगे। उड़ामंदा उड़ामंदा एड़े हंध लथा, उड़ते उड़ते ऐसी जगह उतरे। एड़े हंध मतलब ऐसी जगह, लथा मतलब उतरे, जिते संदन है को पाड़सरी, जहाँ उनके एक पड़ोसी ने कुएं, मतलब उनका पड़ोसी कौन था, कुएं चूहा, उनके एक पड़ोसी चूहे ने यार कुतरे नेट खेन आज़ाद कियो। जहाँ उनके एक पड़ोसी चूहे ने जाल कुतर कर बिल आखिर उनको आज़ाद कर दिया। नेट का मतलब बिल आखिर या आखिरकार, आखिरकार उनको आज़ाद किया। असांखे हमेशा पंहिंजे वॾनि जो चयो मञणु घुरिजे, हमें हमेशा अपने वणों का कहना मानना चाहिए। ठीक, अब जब देखें इस पैराग्राफ में आप क्या बताया कि अब जब सब कबूतर इस जाल उस जाल में फंस गए, तो उस अक्लमंद कबूतर ने उनसे कहा कि आपने पहले भी लालच में आकर मेरी बात नहीं मानी और इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए, लेकिन अब भी ज़्यादा देर नहीं हुई। अगर अब मेरी बात मानोगे तो हम अब भी आज़ाद हो सकते हैं। हमें हार नहीं माननी, हमें हिम्मत और इत्तफाक से काम लेना होगा, क्योंकि इत्तफाक में बरकत है। हमारे पैर इस जाल में फंसे हुए हैं ना, लेकिन पर तो आज़ाद हैं। अगर हम सब कबूतर मिलकर एक साथ उड़ने के लिए जोर लगाएंगे, तो उस जोर की वजह से हम उड़ने में कामयाब हो जाएंगे। और बच्चों ऐसा ही हुआ। इससे पहले कि शिकारी उनको पकड़ने के लिए आता, तमाम कबूतरों ने मिलकर उड़ने के लिए जोर लगाया, तो जाल की जो कीलें थीं वो निकल गईं, जो ज़मीन में धंसी थी ना कीलें, वो ज़मीन से निकल पड़ी और वो जाल के साथ ऊपर उड़ने लगे। और वो उड़ते उड़ते एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ उनकी मदद करने वाला उनका पड़ोसी मौजूद था, और वो पड़ोसी एक चूहा था जिसने अपने तेज दांतों की मदद से उस जाल को कुतर डाला और कबूतरों को जाल से आज़ाद कर दिया। इस तरह से उनको आज़ादी मिली। ठीक है बेटा, तो ये स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि हमें हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बड़े होते हैं। इनकी समझबूझ, इनका मुशाहिदा और उनका तजर्बा हमसे कहीं ज़्यादा होता है, और वो हमें अपने इसी तजर्बे की बुनियाद पर मशवरे देते हैं और नसीहतें करते हैं। हमें उनके इस अकल और तजर्बे का फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि हम किसी बड़े नुकसान से बच सकें। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में इस चैप्टर का हम रिटर्न करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।